बीजेपी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 36 उम्मीदवारों के नाम। देर रात बीजेपी की चुनाव समिति में हुआ फैसला। अब तक 220 सीटों पर हो चुकी है उम्मीदवारों की घोषणा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आंध्र प्रदेश के 23, महाराष्ट्र के 6 और ओडिशा के 5 उम्मीदवारों के नाम। असम और मेघालय से भी एक एक उम्मीदवार घोषित। दूसरी लिस्ट में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का भी नाम। पुरी से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए भी 74 उम्मीदवारों की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के लिए 51 और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस ने जारी की अपनी सातवीं लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम। राजबब्बर की सीट बदली, मुरादाबाद की जगह है फतेहपुर सीकरी से लड़ेंगे। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने जारी की अपनी सूची। 54 उम्मीदवारों के नाम घोषित। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग पर होगी घोषणा। छोटी पार्टियों को भी मिलेगी गठबंधन में जगह। बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। बिहार महागठबंधन ने किया सीटों का ऐलान। आरजेडी 20 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आरएलएसपी को 5 सीटें मिली। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जल्द। जेपी नड्डा ने कहा पहले और दूसरे चरण के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना प्राथमिकता। आडवाणी का टिकट कटने पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। लालकृष्ण आडवाणी का पत्ता नहीं काटा गया। आडवाणी मार्गदर्शक बने रहेंगे और उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। शिवसेना ने भी महाराष्ट्र के लिए अपनी लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की। रायगढ़ से लड़ेंगे अनंत गीते। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने की अटकलें। सवाल पूछने पर सीधे इनकार नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया। कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ फैसला। जेकेएलएफ बैन किए जाने का बीजेपी ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा केंद्र सरकार का सराहनीय कदम। जेकेएलएफ बैन के फैसले का महबूबा ने किया विरोध। ट्वीट कर कहा इससे कश्मीर खुली जेल बन जाएगी। टेरर फंडिंग से जुड़े फाइनेंसरों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई शुरू। गुरुग्राम में जहूर अहमद बंगला जब्त होगा। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में एनआईए ने 13 लोगों की और उनकी संपत्तियों की पहचान की। जल्द होगी कार्रवाई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन भी टेरर फंडिंग में शामिल। आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों को फंडिंग किए जाने के मिले सबूत। सैयद अली शाह गिलानी पर ईडी ने लगाया जुर्माना। डॉलर बरामदगी मामले में गिरफ्तारी के भी आसार। एनआईए ने फलाह इंसानियत के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। आतंकी हाफिज सईद का संगठन है फलाह इंसानियत। पाकिस्तान के नेशनल डे का भारत ने किया बहिष्कार। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में हुए कार्यक्रम में भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ शामिल। पाकिस्तान की तरफ से अलगाववादियों को न्योता दिए जाने से नाराज हुआ था भारत। इस्लामाबाद के कार्यक्रम में भी किसी प्रतिनिधि को भेजने से किया इनकार। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटे में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को मार गिराया। 4 अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए आतंकी। शोपिया एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हुई। शौकत और शाकिर दोनों जैश से जुड़े हुए थे। सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बांदीपुरा में भी लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर इस बार भी अजय टमटा और प्रदीप टमटा के बीच सीधी जंग के आसार हैं। बीजेपी ने अजय टमटा को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस से प्रदीप टमटा को टिकट मिलना तय है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय टिहरी सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उनकी जगह कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर भरोसा जताया है। लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप के खिलाफ हत्या का आरोप तय कर दिया। इस मामले में 4 अप्रैल को गवाही की तारीख भी तय की गई है। यूपी के कौशाम्बी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक भी घायल। खेत में शौच के दौरान हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में किताबों के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में विधायक को गोली मारने का आरोपी गिरफ्तार। पिंकी सक्सेना नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। होली के दिन बीजेपी विधायक योगेश शर्मा को मारी थी गोली।
कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने काटा बवाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक कई सांसदों के कट सकते हैं टिकट, कुछ के बदले जा सकते हैं क्षेत्र। टिकट बंटवारे के बाद एमपी बीजेपी में बगावत के सुर। कांकेर से मोहन मंडावी को टिकट देने के विरोध में सुमित्रा मरकोले ने खरीदा नॉमिनेशन फॉर्म। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बचे 6 प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल बोले, सभी सीटों पर तय किए जा चुके हैं नाम। दिल्ली में आज फिर होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। सीएम गहलोत समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। 26 मार्च के बाद आएगी राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। छत्तीसगढ़ में बीएसपी से गठबंधन पर बोले जेसीसीजे के अध्यक्ष जोगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। पीएम पद का दावेदार बनने पर मायावती को दिया जाएगा समर्थन। एमपी के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई ने पति और परिवार को बताया बेकसूर। मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई विधायक रामबाई। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में परिवार वालों पर दर्ज है मामला। फिल्म राम जन्मभूमि पर फतवे का बीजेपी कांग्रेस ने किया विरोध। कहा राम के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने फिल्म के खिलाफ जारी किया है फतवा। स्पार्क्स ने आरक्षण के विरोध में 9 राज्यों में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। स्पार्क्स अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी ठोकेंगे ताल। मध्य प्रदेश के कटनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। विवाद में 12 से ज्यादा लोग घायल। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नर्मदा नदी किनारे रेत के अवैध खनन करने वाली कंपनी पर खरगोन प्रशासन सख्त। 3,10,00,000 का जुर्माना भरने के लिए दी 1 महीने की मोहलत। खनन रोकने के लिए बनाई स्पेशल टीम। इंदौर में कागज गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास की दुकानें भी चपेट में आई। स्थानीय विधायक ने मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। ग्वालियर के डाबरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। घर में मिला माँ बेटी और पिता का शव। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस और एफएसएल की टीम। चुनाव से पहले एमपी में बढ़ा नक्सल मूवमेंट। बालाघाट सिंगरौली समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट। वोटिंग इफेक्ट के इनपुट। दिल्ली में एमपी के टीकमगढ़ में एक घर में आग लगने से माँ बेटी की जलकर मौत हो गई। पलेरा इलाके के बेडरी गांव की घटना। दिल्ली में आज फिर होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। सीएम गहलोत समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। 26 मार्च के बाद आएगी राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद राजस्थान में बढ़ी टिकट दावेदारों की मांग। जयपुर में जावड़ेकर से मिली गोलमा देवी, टिकट के लिए ठोका दावा। राजस्थान के पाली में 14 महिलाएं फूड पॉइजनिंग की शिकार। खेत में काम करने के दौरान पी थी चाय। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के मोतिहारी में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। आग लगने से 10 से ज्यादा घर जलकर खाक। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। जनवरी में मिली लोगों को ज्यादा नौकरियां। ईपीएफओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी महीने में करीब 900,000 लोगों को रोजगार मिला। ईपीएफओ के मुताबिक तेजी से बढ़ी नौकरियां। पिछले साल के मुकाबले रोजगार में 131% का इजाफा हुआ। हिसार में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाया गया। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है बच्चा। दिल्ली के पीतमपुरा फल मार्केट में गन प्वाइंट पर 1,40,00,000 की लूट। बदमाश फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरुग्राम में होली के दिन दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। 1 दर्जन लोग घायल, वीडियो वायरल। प्रसिद्ध पूर्णागिरी मेला आज से शुरू हो रहा है। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी। रेलवे ने इस बार मेला स्पेशल ट्रेनों को चलाने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है।